दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है प्याज। ये देखिए इस प्याज को हम ग्रो कर सकते हैं और इसकी जो हरी हरी ऊपर से डंडियां निकलती हैं उनकी सब्जी आप सब जानते हैं कि कितनी टेस्टी होती है, तो इसी के बारे में आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूपटॉक ऑर्गेनिक्स में, अपने इन शानदार फूलों के साथ जिसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की हुई है। देखिए कितने खूबसूरत हमारे गुलदाउदी के फूल खिल रहे हैं, लेकिन आज का टॉपिक दोस्तों गुलदाउदी नहीं है बल्कि आज का टॉपिक है प्याज। अब जो आप मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं ये देखिए, और मैं आपको ये दिखाऊं, देखिए कितनी सुंदर इनकी रूट्स आ रखी है। ये देखिए ये पानी के अंदर हमने इन प्याज को लगा रखा है। बहुत इजी टेक्निक है, अगर आप लगाते हैं और आपके ग्रो नहीं हो पाते या ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते तो दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इनको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितने सुंदर रूट्स इसके देखिए ये चारों तरफ से निकले हुए इस टोकरी के अंदर, और इस नीचे वाली टोकरी के अंदर हमने पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है, और इस पानी के अंदर हमने इसको दूसरी टोकरी को जो जालीदार होती है उसको डुबो देना है आपने, और आपने अपने घर के छोटे छोटे प्याज लेने हैं और उन प्याज को आप इसके अंदर सिंपल से रख दें, और 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि इनके अंदर सब में रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है क्योंकि इनको नीचे से मॉइस्चर मिलता है इस प्रकार से, तो इनमें रूट बननी बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आप आजकल घर पर भी प्याज देखेंगे तो बिना रूट्स के भी आपके ये निकलते हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि ये मौसम इसके लिए बहुत अनुकूल होता है, तो ये अपने आप भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर निकलना इस प्रकार से प्याज थोड़ा सा निकल भी रही है तब भी उसको रूट बनाने के लिए आप इस प्रकार एक टोकरी के अंदर रख दें। और अगर आप छोटी सी और दूसरी चीज़ चाहते हैं तो आप ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक इस प्रकार का छोटा सा कांच का बाउल है और इसके अंदर मेरी छन्नी है और इस छन्नी के अंदर मैंने इसको रख दिया है, और आप ये देखिए ये रूट्स इसके अंदर पूरी भर चुकी थी, फंस चुकी थी, ये तो मैं निकाल चुका हूँ, इसको गलती से मेरे से निकल गया। मैं आपको दिखाता है इसकी रूट्स पूरी नीचे पानी में चली गई थी, तो ये देखिए इसके अंदर भी बिल्कुल 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर इस प्रकार की रूट्स बननी स्टार्ट हो जाती है। अब इसको हम 1-2 दिन और रखेंगे और अब थोड़ा सा रूट और जब बड़ी हो जाएंगी तो इसके बाद हम इसको पश्चात इसको हम अपने प्लांट कर देंगे। तो दोस्तों इसको प्लांट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ये आई होप कि आपने सब सीख लिया है। आप चाहें तो इसी प्रकार से लहसुन को भी लगा सकते हैं, देखिए लहसुन की छोटी छोटी इस प्रकार से आप लगा देंगे इसके अंदर साइड्स में छोटे छोटे लहसुन को अच्छे अच्छे उनको रख देंगे तो आपको लहसुन की ये डंडियां लंबी लंबी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप इनको ग्रो कीजिए। आप लहसुन के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो आपके बाद में ये लहसुन भी बन सकते हैं, लेकिन आप इनके पत्तों का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट वाला है। तो अगर आप प्याज लगाना चाहते हैं तो आइए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम इसको कैसे लगाएंगे। आई होप कि आपको ये सब वीडियो अच्छी तरह से पसंद आ गई है जो अभी तक हमने बताया है आपको, तो आगे कैसे लगाना है और मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिट्टी इसकी जो हम बताएंगे आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने पहले अपने ये प्लांट्स लगा रखे हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं ये सब ग्रो हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसको भी मैं लगा दूंगा एक साइड में थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर हमने किसी चीज़ के अपने प्लांट्स के बीज डाले हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी बिल्कुल आपकी भुरभुरी होनी चाहिए और हाथ से ही आपको खुरपी की आवश्यकता ना पड़े, टाइट ना हो क्योंकि इसकी जड़ें नीचे को जाएंगी, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी बनाने के लिए आप उसके अंदर अच्छी कंपोस्ट डालिए और साथ में थोड़ा सा उसके अंदर रेत मिला देंगे तो आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। थोड़ा सा कोकोपीट जरूर मिला के रखिए, जिससे कि कोकोपीट या राइस हस जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिससे कि उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल बना रहे, क्योंकि ज़्यादा रेत हम जब मिला देते हैं तो पानी एकदम से चले जाता है और आपके प्लांट एकदम से सूखने लगते हैं। आपको ज़्यादा इसको रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसी प्रकार से आराम से ले जाते हुए इसको साइड से ऐसे रख देना है, और अब इसको हल्की हल्की मिट्टी से इस प्रकार से दबा दें, कोई टेंशन ना लें क्योंकि ये ऊपर आ चुका है, तो धीरे धीरे अब ये आपका बिल्कुल आराम इजीली ग्रो हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए बस यही आपको करना होता है सिंपल, आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद आपके इस प्रकार से एक ही प्लांट से इस प्रकार से अलग अलग आ जाएंगी, और जब अगर आप 15-20 इस प्रकार से प्लांट लगा देते हैं तो आपको अच्छी सब्जी खाने को मिल जाती है। मैं आपको दिखाऊँ अपने, ये देखिए इसमें भी मैंने प्याज लगा रखा है, साथ में हमारी ये एक सब्जी है लाई करके, और साथ में नीचे नीचे हमारा पहाड़ी पालक है जो उत्तराखंड में पाया जाता है वो भी लगा रखा है, कुछ सूरजमुखी के फूल भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा सूरजमुखी का प्लांट था उसको हम निकाल देंगे फूल उसको लगा देंगे, तो ये प्याज भी हमारा लगभग अभी थोड़े दिनों बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से आज हम इन प्याजों को लगा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, आप भी ज़रूर इस प्रकार से करें, और ये छोटी छोटी गार्डनिंग की टिप्स आप सीखते हैं और करते हैं तो बहुत आनंद आता है, और जब अपने गार्डन की सब्जी खाते हैं तो बहुत आनंद आता है। दोस्तों हमें अपने गार्डन से बहुत सब्जी खाने को मिलती है, मैं आपको छोटा सा अपना एक गार्डन का एक इस वीडियो के साथ ही ब्रोकली जो हमने लगा रखी है उसको दिखाना चाहता हूं। तो ये देखिए हमारे ब्रोकलीज के प्लांट हैं, देखिए कितने खूबसूरत हो रखे हैं ये प्लांट, ये ग्रो बैग मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई थी कि हम
किस प्रकार से हमने इसको भरा था, सारा कबाड़ और नीचे पत्ते वगैरह सूखे पत्ते डालते हुए, किचन का वेस्ट डालते हुए, अब देखिए कितने सुंदर हमारे ये इसके अंदर एकदम से ग्रो हो रहे हैं पत्ते, और धीरे धीरे अभी हमें 15-20-25 दिन के अंदर इनके अंदर फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग का आनंद अलग आ जाता है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको छोटी छोटी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी दोस्तों, हर इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।